हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिक्स टू टीसी स्टूडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों क्लास 10th का मैथ के बारे में, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जो है वो जैक स्टूडेंट के लिए यानी कि झारखंड स्टूडेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों ये उसी के पैटर्न पर ही बनाया गया है, उसी को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया दोस्तों। अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं दोस्तों तो ऐसा बात नहीं दोस्तों कि इसको इस वीडियो को देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको इस बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने बाद फायदा ये होगा दोस्तों कि आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि कम समय में कैसे हमको ज्यादा तैयारी करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे फायदे हैं इस वीडियो को देखने में, लेकिन जो स्पेशली ध्यान रखा गया है वो जैक बोर्ड के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरे जैक बोर्ड के लिए 2020 में कि आने की मैथ का जो किस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, हम उसको कैसे फिलअप करेंगे, कम समय में कैसे बनाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जो कि पूरे साल एग्जाम का तैयारी करते नहीं है और जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो उसको छटपटाने लगते हैं कि हम कैसे से कैसे तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। तो खासकर उन्हीं के लिए है ये वीडियो जो कम समय में ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक मेरा ये कि कम समय में तैयारी कैसे करेंगे, और दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, ठीक है। तो इस टॉपिक पर अभी हम बात ना करते हुए दोस्तों सबसे पहले आपको हम एक शेड्यूल दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इस शेड्यूल में यह बात है दोस्तों कि जैसे कि हम जानते हैं जो मैथ का होता है दोस्तों, जो मैथ है ठीक है दोस्तों, जैक बोर्ड के लिए जो क्लास 10th का होता है उसमें से जैक बोर्ड में क्या होता है, जो जैक बोर्ड में पूछा जाता है स्टूडेंट को क्वेश्चन वो 1 से लेकर के 30 तक सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। यानी कि जैक बोर्ड में 1 से 30 तक प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई प्रश्न 1 मार्क्स का होता है, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 6 का, इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो हम अभी आपको शेड्यूल दिखाने जा रहे हैं उसमें से आपको ये सारे डॉट क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि 1 मार्क्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स में किस मतलब कितना नंबर में कितना मार्क्स का क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन और किस एक्सरसाइज से पूछा जाता है, इस चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट फिर दिमाग से हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जितना सारा आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है ना, इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपको हम इस शेड्यूल को दिखाते हैं दोस्तों, और आप इस शेड्यूल को पहले देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन नंबर भी दिया गया कि कितना क्वेश्चन नंबर में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में समझने में कोई भी तकलीफें ना उठाने पड़े, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस शेड्यूल को देख लिए होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख लिया दोस्तों कि किस प्रकार से कितना नंबर में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा एक्सरसाइज से पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था दोस्तों कि आपको इस पूरे मैथ का बुक से परिचित कराना कि किस प्रकार से एग्जाम को हमको फिलअप करना है, एकदम निंदाज से बनाना है दोस्तों, क्योंकि आपको अगर पैटर्न ही नहीं पता रहेगा कि 1 मार्क्स में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो बात अब ये है दोस्तों कि कम समय में तैयारी कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपने शेड्यूल को देख लिया दोस्तों, उसी हिसाब से उसी चैप्टर को हम 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर बहुत प्रयास करेंगे दोस्तों, और मेरा उम्मीद ये रहेगा दोस्तों कि 1 मंथ के पहले खत्म कर दे, ठीक है। और इसी हिसाब से चलेंगे दोस्तों, सारा एक क्वेश्चन खत्म करेंगे, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे 100% जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 2020 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उसी में से हमने क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा दोस्तों, आपको आगे की तैयारी करने में
मतलब हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बोर्ड के साथ दोस्तों। अगला जो वीडियो आएगा दूसरे बोर्ड के लिए होगा दोस्तों, तब तक बाय बाय दोस्तों। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं।